लकड़ी की पेटियों से बरामद हुए इस सफेद जहर की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है करीब 200 करोड़ रुपए। लेकिन इससे पहले कि 50 किलो की हेरोइन की एक खेप मार्केट में पहुंचती, जम्मू कश्मीर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ इस तक पहुंच गए। खास बात यह है कि हेरोइन की इस बड़ी खेप को सेब की पेटियों में छिपाकर दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी लाया जाना था, जहां से इसे आगे सप्लाई किया जाना था। लेकिन एक खुफिया इतला पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जाल बिछाया और वक्त रहते हेरोइन की बड़ी खेप बरामद कर ली। तीनों ट्रकों में सेब लदे हुए थे और कार्टून्स थे। जब उसकी तहकीकात की गई, पूछताछ की गई, तो पता चला कि उनमें से एक ट्रक में 3 कार्टून्स में हेरोइन छिपा करके रखे गए हैं। उसकी तलाशी, सघन तलाशी ली गई उस ट्रक की और जम्मू यूनिट को 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने में सफलता मिली। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक 5 नवंबर को एजेंसी को जानकारी मिली थी कि सेब के 3 ट्रक में हेरोइन की एक बड़ी खेप कुपवाड़ा से दिल्ली भेजी जा रही है, जिसके बाद एनसीबी ने जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास सेब की पेटियों से लदे 3 ट्रक को चेक किया। इनमें से एक ट्रक में सेब की 4 पेटियों पर खास तरीके का निशान बनाया गया था, जिससे एनसीबी को शक हुआ और जब सेब की इन पेटियों को खोला गया तो उसमें से सेब की जगह 50 किलो हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली बड़ी कामयाबी। एनसीबी ने बरामद की 200 करोड़ की हेरोइन। सेब की पेटियों में छुपाकर लाई जा रही थी हेरोइन। कश्मीर के रास्ते दिल्ली लाकर बेचने का था प्लान। तफ्तीश के दौरान एनसीबी को पता चला कि हेरोइन की यह बड़ी खेप अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंची, जहां से सड़क के रास्ते हिंदुस्तान के कुपवाड़ा लाया गया। कुपवाड़ा में 200 करोड़ की इस हेरोइन को सेब की पेटियों में छिपाकर रखा गया था। 200 करोड़ रुपए की इस हेरोइन को कुपवाड़ा से दिल्ली पहुंचाने के बदले ट्रक के इस ड्राइवर को 4.5 लाख रुपए दिए जाने थे। दिल्ली में सफेद जहर की एक खेप कहां सप्लाई होनी थी, इसकी जानकारी भी ट्रक ड्राइवर को यहां पहुंचने के बाद व्हाट्सएप पर दी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी ने रेड कर दी। मॉडस ऑपरेंडी ये था, जो सेब के जो ट्रक जिसमें सेब आ रहा था उसमें कार्टून्स में वो सभी सेब थे, बिल्कुल उसी प्रकार के कार्टून, 3 कार्टून्स लिए गए, उसमें उसकी जगह 50 पैकेट्स 3 कार्टून्स में थे और उन्होंने ब्लैक पेन से, क्योंकि वो स्टार मार्क लगा रखा था, एक डिस्टिंक्टिव मार्क था जिसके ऊपर था, जिससे हमें डाउट हुआ। अदरवाइज आप समझ सकते हो कि 3 ट्रकों की तलाशी लेना और सभी कार्टून को खोलना बहुत दुष्कर कार्य है, लेकिन एक डिस्टिंक्ट मार्क हमें मिला और उसमें डाउट हो गया कि इसी में होना चाहिए। एनसीबी के मुताबिक पिछले 2.5 महीने में एजेंसी ने देश भर से अफगानिस्तान से लाई गई करीब 160 किलो हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 640 करोड़ रुपए आंकी गई है। फिलहाल अब एनसीबी ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार करोड़ों रुपए की हेरोइन की इस खेप को दिल्ली में कहां और किसको सप्लाई किया जाना था। तकरीबन 200 करोड़ रुपए के कीमत की ये हेरोइन सेब के ट्रक में भरकर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान, उसके बाद जम्मू कश्मीर लाई गई थी। इसे दिल्ली में डिलीवर करना था, लेकिन इसके पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जम्मू कश्मीर यूनिट ने इसे जब्त कर लिया। इस मामले में टेरर एंगल पर भी जांच की जा रही है।